लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? आप कहां, कब, किससे मिला देते हैं ये कोई नहीं जानता। परंतु पिताश्री, आप जिन श्री राम की इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, वे स्वयं इतने निर्बल हैं कि अपनी रक्षा नहीं कर सके। कैसी विचित्र बात है ये। मकर ध्वज, ये भी तो प्रभु श्री राम की लीला हो सकती है। अरे, तुम्हारे चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मैं उन्हीं के लिए ही तो पाताल लोक आया हूं। नहीं पिताश्री, नहीं। मकर ध्वज, हट जाओ मेरे रास्ते से। पिताश्री, मैं पाताल पति अहि रावण महि रावण का विश्वसनीय सेवक हूं। मेरे होते हुए आप पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि जाना ही है तो मुझे समाप्त करके जाइए। मकर ध्वज, हट जाओ, हट जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत ही बुरा होगा। नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मकर ध्वज, मैं तुम्हारी वीरता और स्वामी भक्ति का सम्मान करता हूं, परंतु मेरे पास समय बहुत कम है। जय श्री राम। मकर ध्वज, मेरे पास समय बहुत कम है और तुम्हारे जैसे स्वामी भक्त और वीर को मैं मारना भी नहीं चाहता। मुझे क्षमा करना। जय श्री राम। पिताश्री, पिताश्री। मकर ध्वज, चिंता मत करो, हनुमान जी तुम्हें शीघ्र ही बंधन मुक्त कर देंगे। हाँ, हनुमान जी अपने पुत्र को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं? चरणों में बलि चढ़ाने के लिए हम अयोध्या के इन दो राजकुमारों को यहाँ लाए हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो। हमारे भ्राता रावण के दो शत्रु राक्षस जाति के घोर शत्रु हैं। हम इनकी बलि चढ़ाकर राक्षस जाति को संकट से बचाएंगे। ओम हिंग क्लिंग हट। माधेश्वरी, इनकी बलि से लंकेश्वर रावण निश्चिंत हो जाएगा और लंका पर निष्कंटक राज करेगा। तत्पश्चात वह पुनः स्वर्ण लोक पर अधिकार करेगा और एक बार फिर
फिर स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल लोक पर राक्षसों का अधिकार होगा। हमारी मनोकामना पूर्ण करो मां। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं जय श्री राम। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। 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 हे पाताल देवी, प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण भगवान विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं। उनकी रक्षा के लिए मेरी सहायता करना आपका परम कर्तव्य है। आप तुरंत रसातल में समा जाइए तथा मैं इस मूर्ति में समा जाऊंगा। जय श्री राम। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट। जय श्री राम। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। 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 ये अचानक कैसा उजाला हुआ महिरावण? ये देवी माँ का ही कोई चमत्कार है भ्राता। लगता है देवी माँ हम पर प्रसन्न है। अब हमें बलि चढ़ाने में विलंब नहीं करना चाहिए। कदापि नहीं, हम शीघ्रातिशीघ्र बलि देंगे। इन दोनों का मस्तक मातेश्वरी के चरणों में समर्पित कर हम भ्राता लंकेश्वर के शत्रुओं को समाप्त ही नहीं करेंगे, बल्कि माता को प्रसन्न भी करेंगे और सदा सदा के लिए अमर भी हो जाएंगे। तुम ठीक कहते हो भ्राता हीरावन। इन दोनों की बलि से हमारी कई कार्य सिद्ध होंगे। तो ठीक है, मैं अपने इस खड़क के एक ही बार से इन दोनों का मस्तक इनके धड़ से अलग किए देता हूँ। जय मातेश्वरी। मैं इतनी सरलता से ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। पहले मुझे प्रसाद देकर प्रसन्न करो। प्रसाद? कैसा प्रसाद मातेश्वरी? मूर्खो, मेरी पूजा करते हो, बलि चढ़ाते हो और प्रसाद के विषय में नहीं जानते। बिना प्रसाद लिए पाताल देवी कोई कार्य नहीं करती। क्या यह भी तुम्हें समझाना पड़ेगा? आपकी सेवा में कौन सा प्रसाद चढ़ाए पाताल देवी? पृथ्वी लोक से ढेर सारे फल और मिठाइयाँ मंगवाओ। पाताल लोक से ढेरों कंदमूल लाओ। पाताल लोक की सारी भोजन सामग्री मेरे सामने प्रस्तुत करो। जब मैं ये सारा प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो जाऊंगी, तभी इन दोनों की बलि स्वीकार करूंगी। महिरावण, आज से पहले मातेश्वरी ने कभी भी कंदमूल फल और मिठाइयों की मांग नहीं की। ये क्या हो गया मातेश्वरी? ये क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो? अरे, देवी का स्वर फिर बदल गया था। ये तुम्हें क्या हो गया है मातेश्वरी? मैं कहती हूँ, सोच क्या रहे हो? प्रसाद क्यों नहीं मंगवाते? क्या हमारे हाथों मरना चाहते हो? पाताल देवी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा दें, फिर आपको प्रसाद चढ़ाएं? नहीं, फिर आप ही नहीं। यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो बलि चढ़ाने से पहले हम तुम्हारी ही बलि ले लेंगे, समझे? नहीं नहीं मातेश्वरी, ऐसा ना कहें। मातेश्वरी, हम शीघ्र ही प्रसाद प्रस्तुत करते हैं। सेनापति, जाओ पृथ्वी से ढेर सारा फल और मिठाइयाँ लाओ। पाताल लोक से कंद मूल और भोजन की सामग्री लाओ। जाओ, तुरंत जाओ, जाओ, शीघ्र जाओ।
जय श्री राम। राता, तुमने कुछ सुना? देवी का स्वर फिर बदल गया था। नहीं भ्राता, मैंने कुछ नहीं सुना। सैनिकों, तुरंत जाओ और प्रसाद लाओ देवी के लिए। जाओ, सब जाओ, जाओ, जाओ। ओम हिंग क्लिंग फट स्वाहा। ओम हिंग क्लिंग फट स्वाहा। देवी की भूख अभी तृप्त नहीं हुई है, लाओ, तुरंत लाओ, 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 शीघ्र लाओ, और लाओ। राता हीरावन, पाताल देवी की ऐसी भूख मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मूर्खो, अभी तक तुमने देखा ही क्या है, अब देखो पाताल देवी तुम्हें क्या क्या दिखाती है। लाओ और लाओ, मिठाइयाँ लाओ, कंदमूल लाओ, भोजन लाओ। इतना सा प्रसाद ग्रहण करके मेरी उधर की ज्वाला शांत नहीं हुई है। जाओ, तुरंत जाओ। लाओ और लाओ। पाताल देवी की भूख अभी तृप्त नहीं हुई है, हमारी भीतर की ज्वाला और भड़कने लगी है। जाओ और लाओ। पाताल पति, अब यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। मूर्ख, तूने सुना नहीं? माँ तेजोरी अभी तक तृप्त नहीं हुई है। जाओ शीघ्र लाओ, कहीं से भी लाओ। जाओ बाढ़ कर लाओ, लूट कर लाओ, प्रसाद तुरंत लाओ, नहीं तो हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। सुना नहीं तुमने? जाओ शीघ्र जाओ। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। सैनिको, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देवी के लिए प्रसाद लाओ। कहाँ से लाएं? पाताल लोक में तो खाने को अब कुछ नहीं रहा, जो कुछ था पृथ्वी लोक से सब लाए हैं। लाओ और लाओ, मिठाइयाँ लाओ, कंदमूल लाओ, भोजन लाओ। इतना सा प्रसाद ग्रहण करके मेरी उधर की ज्वाला शांत नहीं हुई है। जाओ शीघ्र जाओ, कहीं से भी लाओ। जाओ शीघ्र जाओ। ओम हिंगलिंग फट स्वाहा। ओम हिंगलिंग फट स्वाहा। ओम हिंगलिंग फट स्वाहा। अच्छा सैनिकों, अरे कहाँ हो, कहाँ हो? लाओ और लाओ, शीघ्र लाओ, देवी को चुप करो, लाओ। ओम हिंगलिंग फट स्वाहा। अरे कहाँ मर गए सब, कहाँ मर गए? ओम हिंगलिंग फट स्वाहा। 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 राक्षसों, दुष्टों, मूर्खों, शीघ्र आओ, जल्दी आओ, देवी का प्रसाद लाओ। अरे रावण, देवी ने उग्र रूप धारण कर लिया है, अब हम क्या करें? देवी रुष्ट है या प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आ रहा भ्राता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, यदि देवी ने आज्ञा दी है तो उनकी तृप्ति तो करनी ही पड़ेगी। आओ, उन दोनों का मस्तक घर से अलग कर देते हैं। आओ, द्वार किसने बंद कर दिया? पता, ये अवश्य कोई मायावी शक्ति है। अही रावण, मही रावण, यदि तुम दोनों ने शीघ्र ही हमें तृप्त नहीं किया तो तुम दोनों ही हमारे पाप के भागी बनोगे। ये
ये आप क्या कह रही हैं मातेश्वरी, मातेश्वरी ये आप क्या कह रही हैं? प्रभु आके मातेश्वरी, हम तो आपकी तृप्ति के लिए राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाले हैं। मही रावण मही रावण, भूखी पाताल देवी इन दोनों की बलि से तृप्त नहीं होने वाली है। देवी देवी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ माँ, ये आप क्या कह रही हैं? परंतु तुम दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए ये पाताल देवी इन दोनों की बलि स्वयं ले लेगी। महिरावण हता उठिए, महिरावण मुझे तो अपने इष्ट देवी पर शंका होने लगी है। तो मुझे भी होने लगी है। लगता है कोई मायावी देवी के अंदर घुस आया है, इसीलिए बार बार स्वर बदल रहा है। सैनिकों सैनिकों आओ, द्वार तोड़ दो। अही रावण मही रावण, यदि तुम दोनों ने द्वार तोड़ने की चेष्टा की तो ये पाताल देवी तुम दोनों की बलि ले लेगी। नहीं, ये कोई मायावी ही है। सैनिकों प्रभु द्वार तोड़ो, सैनिकों शीघ्र आओ, तोड़ो। यदि मैं अपने स्वामी की रक्षा न कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम दोनों को मेरी शपथ, मुझे बंदरमुक्त करो, मुझे बंदरमुक्त करो। आओ जल्दी, जल्दी करो जल्दी। पति, मैं आ रहा हूं। जय श्री राम। ध्वज, आपकी रक्षा करने के कर्तव्य में असमर्थ रहा, असमर्थ रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए पातालपति, क्षमा कर दीजिए। मगर ध्वज, इन दोनों को इनकी करनी का दंड मिला है। इनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान, ये मकरध्वज है कौन? ये वीर हनुमान के पुत्र है श्री राम। नहीं नहीं प्रभु, इन्होंने हनुमान को पाताल प्रवेश से रोका, तभी से दोनों में पिता पुत्र का परिचय हुआ। भैया, तब तो अवश्य ही हनुमान पुत्र मकरध्वज को हनुमान के पराक्रम का पुरस्कार मिलना चाहिए। अवश्य लक्ष्मण। हनुमान, अही रावण मही रावण के अंत के बाद पाताल लोक से राक्षसों का राज्य समाप्त हो चुका है। अब तुम मकरध्वज को यहां का सम्राट बना दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नहीं, नहीं पिताश्री, नहीं। अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात नहीं चाहिए मुझे पाताल लोक का राज्य, नहीं चाहिए मुझे राज्य। मकरध्वज,
यदि तुम सचमुच प्रभु श्री राम भक्त हनुमान के पुत्र हो तो इन दुराचारी और अन्यायियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु पिताश्री, उन्होंने मुझे पाला है। मकरध्वज, तुम भूल कर रहे हो, स्वयं पालनहार प्रभु श्री राम तुम्हारे समक्ष हैं, जो सारे संसार के पालनहार हैं। यही भावना तुम अपने हृदय में बसा लो। आज से तुम पाताल लोक के अधिपति हो। पातालपति मकरध्वज की, पातालपति मकरध्वज की, पातालपति मकरध्वज की। आज से यहां राक्षसों का साम्राज्य समाप्त हुआ। अब तुम यहां न्याय और धर्म की स्थापना करना। जो आज्ञा पिताश्री। मकरध्वज, मैं तुम्हारा पिता होते हुए भी अपने आप को हनुमान, राम भक्त हनुमान कहलाना अधिक पसंद करूंगा। आज के बाद तुम मुझे केवल हनुमान कहोगे, पिताश्री नहीं। बोलो राम भक्त हनुमान की, राम भक्त हनुमान की।